सब्सक्राइब कीजिए संजय शर्मा चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए और यह बिल्कुल फ्री है। आज मैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पक्षी विहार के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि यूपी SSSC का लोअर PCS एग्ज़ाम जो कि है बहुत इम्पॉर्टेंट उसकी दृष्टि से हैं ये क्वेश्चंस। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है तो आप रिवाइज कर सकते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार, जिसे अब चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, यह लखनऊ से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका क्षेत्रफल 3 किलोमीटर स्क्वायर है और इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थित है। इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी, जिसका क्षेत्रफल 8 किलोमीटर स्क्वायर है। थर्ड है, लाख बहाशी पक्षी विहार कन्नौज में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 80 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। सांगड़ी पक्षी विहार हरदोई में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 3 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसकी स्थापना 1990 ईस्वी में की गई थी। अगला है, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 29 किलोमीटर स्क्वायर है, इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में की गई थी। अगला है, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 4 किलोमीटर स्क्वायर है, इसकी स्थापना भी 1990 में की गई थी। समान पक्षी विहार मैनपुर ज़िले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 5 किलोमीटर स्क्वायर है और इसकी स्थापना भी 1990 में की गई है। अगला है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 11 किलोमीटर स्क्वायर है, इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। और लास्ट है हमारा, विजय सागर पक्षी विहार महोबा हमीरपुर में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 3 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसकी स्थापना 1990 ईस्वी में की गई थी। तो ये रहे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पक्षी विहार। लोअर PCS को देखते हुए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो देखा जाए उत्तर प्रदेश का कोई भी UPSSC एग्ज़ाम कराती है तो उसकी दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लें, रिवाइज कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चाहते हैं कि मैं लगातार आपके लिए फ्री वीडियोज़ बनाता रहूँ तो सबसे पहले मेरे चैनल संजय सर मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए तथा उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी। और लाइक तथा शेयर भी कीजिए, जिससे हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।